देखिए, सीएससी के थ्रू आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले सीएससी पोर्टल को लॉगिन करना है, और उसके बाद सर्च में आपको लिखना है आईआरसीटीसी, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाला मिलेगा, आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन, ये वाला, ठीक है, आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं, सेकंड। इसके बाद देखिए आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां पर आपको आना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर, यहां पर क्लिक कीजिए। चलिए क्लिक कर लेते हैं, और इसके बाद देखिए आपके सामने खुल जाएगा ये वाला पेज। यहां पर आपकी सीएससी आईडी आ रही होगी, सीएससी आईडी, यहां पर आपका नाम, यहां पर ईमेल आईडी, यहां पर टाइप में वीएलई, और स्टेट आ रहा होगा आपका एचआर, यानी कि हरियाणा, जैसे मेरा है, आपका भी आ रहा होगा, जो भी होगा। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड, तो आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आपके सामने ये पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आप दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है सीएससी में रजिस्टर्ड, वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है सीएससी में, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपका पैन कार्ड का नंबर भी सीएससी वाला ही यहाँ पर आ जाएगा अपने आप ही। आपको सिंपल सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जो मोबाइल नंबर है, अगर इस मोबाइल नंबर से और इस ईमेल आईडी से अगर आपने पहले कभी आईआरसीटीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, मतलब विदाउट सीएससी किया था कभी रजिस्ट्रेशन इन पास्ट में पहले कभी इस ईमेल आईडी से या फिर इस मोबाइल नंबर से, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि ये मोबाइल नंबर या फिर ये ईमेल आईडी पहले से ही रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो उस केस में आपको इनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी यहाँ पर आएगी जो पहले कभी भी आईआरसीटीसी का रजिस्ट्रेशन जिससे नहीं हुआ है, ठीक है। देखो, नई ईमेल आईडी और नया पासवर्ड, नया मोबाइल नंबर चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो देख लेना। तो सबमिट पर आपको क्लिक करना है। अगर सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं आता, मतलब आपने सबमिट पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच जाते हो, ठीक है, तो इसका मतलब यह था कि आपका जो मोबाइल नंबर था और आपकी जो ईमेल आईडी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने पेज खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर आपके फादर का नाम आएगा, यहाँ पर बाकी डिटेल अपने आप आ रही होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ पहले से आ रहा होगा, आपको सिर्फ फादर का नेम डालना है, यहाँ पर आएगा फादर नेम, ठीक है, फादर नेम डाल दीजिए। चलिए डाल लेते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और नीचे देखिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, और ऊपर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर वो मोबाइल नंबर आएगा जो कभी भी पहले आईआरसीटीसी के टिकट बुकिंग के लिए यूज नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब नया मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर पहले से आ जाएगी, यहाँ पर आपको पिन कोड वगैरह डाल देना है, और रेजिडेंट एड्रेस और ऑफिस एड्रेस में आपको अपना एड्रेस डालना होगा। यहाँ पर आएगा आपके आधार कार्ड का एड्रेस, जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पे आप रहते हो, और यहाँ पर आएगा आपके ऑफिस का एड्रेस, यानी कि सीएससी सेंटर का एड्रेस, ठीक है। अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस ही सीएससी सेंटर का एड्रेस है, दोनों में सेम आएगा, अगर एड्रेस अलग अलग है तो दोनों में अलग अलग एड्रेस आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीचे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले पैन कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका साइज 100 KB से ज़्यादा ना हो, ठीक है, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पैन कार्ड का साइज। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा एड्रेस प्रूफ के लिए, ठीक है। एड्रेस कौन सा, ये वाला एड्रेस, मतलब जो सीएससी सेंटर है आपका जहाँ पर, उस एड्रेस का जो प्रूफ है आपके पास, वो प्रूफ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने पासपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको वही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, ठीक है। तो मैंने पासपोर्ट किया है, तो मैं यहाँ पर पासपोर्ट अपलोड कर लूँगा, इसका साइज भी 100 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद एक सेकंड नीचे आते हैं, तो देखिए नीचे आपको यहाँ पर ये कंसेंट देना है, यहाँ पर भी कंसेंट देना है, और इसके बाद पे सबमिट पर क्लिक करना है सिंपली। चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आपके सामने पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आपको अपने सी एस सी आई डी का पासवर्ड डाल देना है। चलिए डाल लेते हैं, और एक सेकेंड डाल लेते हैं। इसके बाद देखिए वॉलेट पिन डालेंगे, तो यहाँ पर आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट कितने की होगी दिखा देता हूँ पहले आपको।
ये देखिए पेमेंट आपकी होगी 1000 रुपये की, 1000 रुपये की यहाँ पर पेमेंट होती है, और ये नॉन रिफंडेबल होता है, मतलब कि नॉन रिफंडेबल होता है ये, मतलब इन केस अगर आपके आईडी रिजेक्ट कर दी जाती है डॉक्यूमेंट्स की वजह से या फिर किसी वजह से, तो उस केस में ये 1000 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे। या फिर आप अब बोलो कि भैया मुझे अपना कैंसिल करवाना रजिस्ट्रेशन, मेरा 1000 रुपये वापस दे दो, तो उस केस में भी आपके 1000 रुपये वापस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, यहाँ पर 1000 रुपये की आपकी पेमेंट कटेगी। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, जो आपका ये 1000 रुपये कटेगा वो आपके CSC के बैलेंस से ही कटेगा, जो CSC का वॉलेट है उसका जो बैलेंस है उससे ही कटेगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपका जो CSC का बैलेंस है वो कम से कम 1100 रुपये हो, 100 रुपये एक्स्ट्रा हो, 100 रुपये एक्स्ट्रा होगा तभी जाके कटेगा। अगर पूरे 1000 रुपये रखोगे या 1050 रुपये रखोगे तो उस केस में इनसफिशेंट बैलेंस वाला एरर आ जाएगा। ठीक है, जितने पैसे आपको काटने होते हैं उसके 100 रुपये ज़्यादा आपके अकाउंट में होने चाहिए, आपके वॉलेट में होने चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारी जो पेमेंट है वो कट जाएगी। यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए पेमेंट हमारी कट चुकी है और लिखा गया है पेमेंट सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, अब ये पेज बढ़ेगा आगे और हमारे सामने खुल जाएगा ये वाला पेज। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो हो चुकी है सक्सेसफुल, यानी कि हमारे जो पैसे हैं वो कट चुके हैं। यहाँ पर हमें एक रेफरेंस नंबर मिला है, ये है हमारा है रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर से हम पता कर पाएंगे कि हमारा जो स्टेटस है, हमारी जो आईडी है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अपना स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली यहाँ पर आना है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना है। ठीक है, सिंपली चलिए क्लिक कर लेते हैं, और इसके बाद देखिए आपको अपने CSC आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वही डालना है जिससे आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे, चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब दोस्तों ये है क्योंकि हमने अभी अभी रजिस्ट्रेशन किया है, और टाइम देख लीजिए आप, टाइम दिखा देता हूँ पहले, ये देखिए अभी 4:00, ये देखिए 14:47 हो रहे हैं, मतलब कि दोपहर के मान लीजिए मोटा मोटा 3 बज रहे हैं अभी। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कब किया है मैंने दिखाता हूँ एक सेकेंड आपको, पेमेंट मैंने कब करी है, और पेमेंट आप देख लीजिए, पेमेंट मैंने करी है 14:38 पर, देखिए। ठीक है, तो अभी 10 मिनट हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम 24 घंटा वेट करना पड़ेगा, सॉरी 24 घंटा नहीं दोस्तों, कम से कम आपको यहाँ पर 7 दिनों का वेट करना पड़ेगा, मेरे मुँह से गलती से निकल गया 24 घंटा, यहाँ पर 7 दिनों का वेट करना पड़ेगा। 7 दिन बाद आपकी जो आईडी है वो जनरेट हो जाएगी, और आपकी जो ईमेल आईडी है, आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर आपका जो IRCTC का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो भेज दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी चेक करोगे आप स्टेटस पे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो कोड है वो आ जाएगा। ठीक है, 7 दिनों का आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा तरीका 2022 के अंदर IRCTC के लिए रजिस्ट्रेशन करने का CSC के थ्रू। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।